अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस जो है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, इस सवाल में इसकी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट देखें अगर तो लिखता है कैलकुलेट द टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क, एलोकेटिंग इट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, ऑल्सो गिव रीजन्स फॉर सच एलोकेशन। यानी कि इसमें से कितना अमाउंट डायरेक्ट में जाएगा विच मीन्स प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और कितना अमाउंट इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड्स में जाएगा। आसान सा सवाल है, प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन सी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो सवाल लिखता है, मिस्टर लार्क वर्क्स एज अ मशीनिस्ट ऑन अ मशीन रनिंग 54 आवर्स अ वीक। एक मशीन है और वो एक हफ्ते में जो है वो 54 आवर्स चलती है और उस पर ये बंदा काम करता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू हिज लास्ट वीक्स वर्क ऑन द मशीन। टोटल आवर्स वर्क यानी कि जितने घंटे उसने काम किया वो 51 आवर्स है, ठीक है। मशीन 54 आवर्स चली थी लेकिन इसने काम 51 आवर्स किया। रीज़न बीइंग कि 3 घंटे जो है वो मशीन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी और रिपेयर हो रही होगी, और उसकी वजह से ये बंदा जो है वो आइडल यानी कि फारिग बैठा हुआ था। अच्छा, इसके अलावा 4 घंटे क्या लिखे हुए हैं, ओवर टाइम इंक्लूडेड इन टोटल आवर्स वर्क। यानी कि ये जो टोटल आवर्स वर्क आपको दिए हुए हैं 51, इसमें ये 4 घंटे शामिल हैं, ये 4 घंटे शामिल हैं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली है क्या चक्कर है, ये चक्कर कि ये 53 और 51 इससे बना 54, ठीक है ना, और 4 घंटे का ओवर टाइम है जो कि इस ऊपर वाले आर्ट्स में शामिल है। ये सारी चीज़ें हो गई। बेसिक आली वेज रेट इज़ ₹25, दी ओवर टाइम इज़ पेड एट बेसिक रेट प्लस 45%। हमें मालूम है कि इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। अगर कभी आपको आप ओवर टाइम कर रहे होते हो और आपको बेसिक से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो ओवर टाइम प्रीमियम का अमाउंट कहलाता है। यानी कि इसको नॉर्मली ₹25 पर आवर मिलता है, जब ये ओवर टाइम करता है तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.45, 45% से इंक्रीज़ किया, ₹36.25 मिलता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है यानी कि 36.25 और 25 का डिफरेंस 11.25 का, ये ओवर टाइम प्रीमियम का अमाउंट है। ओवर टाइम का जो प्रीमियम होता है, जो ओवर टाइम का प्रीमियम होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स में जाता है। उसकी एक्सेप्शन ये थी कि किसी कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप ओवर टाइम कर रहे हो। तो हम पहले तो लार्क की बताते हैं कि भाई डायरेक्ट वेजेस क्या होगी या डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, और फिर हम बताएंगे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, ठीक है ना, और फिर इसकी टोटल वेजेस भी बतानी है तो टोटल भी बता देंगे। अब हम अगर डायरेक्ट की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट में क्या होगा कि इसके जो टोटल आवर्स वर्कड नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, जो कि 51 आवर्स हैं, यानी कि जितने घंटे इसने काम किया और जितने घंटे इसने काम कर कर प्रोडक्शन करी होगी, इस 51 आवर्स के दो हिस्से हैं। 47 आवर्स तो वो हैं जो काउंट हो रहे हैं इसके नॉर्मल में, यानी कि ये ओवर टाइम वाले नहीं हैं। कितने? 47 आवर्स। और ओवर टाइम वाले कितने घंटे? सर, ओवर टाइम वाले जो है ना वो 4 घंटे। ऐसा ओवर टाइम वाले 4 घंटे क्योंकि 51 में शामिल थे। जब ओवर टाइम कोई कर रहा होता है तो ओवर टाइम का क्या होता है कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होता है, जबकि ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो डायरेक्ट कॉस्ट में तब शामिल होता है जब किसी कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर ओवर टाइम किया जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर टाइम का जो बेसिक होता है, जो 4 घंटे का ओवर टाइम है, उन 4 घंटे के ओवर टाइम का जो बेसिक वाला हिस्सा है वो डायरेक्ट कॉस्ट में ही शामिल होगा। यानी कि हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 47 आवर्स जिसके इसको ₹25 के हिसाब से मिलेंगे, 47 आवर्स जिसके इसको ₹25 के हिसाब से मिलेंगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट बन गई विच इज़ 1175। 4 घंटे जो इसने ओवर टाइम किया, ओवर टाइम में इसको मिले 36.25 होंगे, लेकिन ओवर टाइम का जो नॉर्मल वाले रेट के हिसाब से कंपनसेशन है, यानी कि जो ₹25 के हिसाब से जो कंपनसेशन हो रही है, जो कि बेसिक अमाउंट की कंपनसेशन हो रही है 4 घंटे की, वो ₹100 भी डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होगी। जबकि ओवर टाइम के वक्त जो प्रीमियम मिल रहा है, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट मिल रहा है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। वो डायरेक्ट कॉस्ट में तब जाता जब कस्टमर की किसी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ओवर टाइम किया जा रहा होता। इसके अलावा 3 घंटे जो है वो मशीन ब्रेकडाउन के, मशीन ब्रेकडाउन जो हुई है, मशीन ब्रेकडाउन के 3 घंटे हैं। मशीन ब्रेकडाउन के वक्त प्रोडक्शन नहीं हो रही, यूनिट्स नहीं बन रहे, डायरेक्ट कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, लेबर को पैसे जा रहे हैं, आइडल बैठे के जा रहे हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स में जाएंगे।
यानी कि ये जो मशीन के ब्रेकडाउन होने वाले 3 घंटे हैं, इसकी जो इसको कंपनसेशन मिली होगी 25 रुपये के हिसाब से, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट पे जाएगी। लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो टोटल इसको मिल रही है वो 1275 है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो टोटल इसको मिल रही है वो 120 है, और जो टोटल 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 ग्रैंड कॉस्ट इसको मिल रही है वो 1275 और 120 यानी कि 1395 की टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया और सारी अमाउंट्स मैंने आप लोगों के सामने मेंशन जो है वो कर दी है, और आई होप कि इसमें से किसी अमाउंट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं सवाल को सॉल्व करने के, मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अडॉप्ट किया है जिसमें मैंने सारी डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट और फिर टोटल की अमाउंट लिखी है। ऑल्सो गिव रीजन्स फॉर सच एलोकेशन, ऑल्सो गिव रीजन्स फॉर सच एलोकेशन, रीजन्स में फॉर एग्जाम्पल मशीन ब्रेकडाउन जो है वो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्यों शामिल किया, आप ये लिख सकते हो कि जब मशीन ब्रेकडाउन हुई थी तो कोई प्रोडक्शन इनकर नहीं हो रही थी एंड देयरफॉर प्रोडक्शन इनकर नहीं हो रही थी तो वो कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं थी। ठीक है, और बाकी जो कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट वाली बात है वो मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो एक छोटा सा सवाल था, आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस इससे कुछ हद तक हुई होगी। बहुत शुक्रिया।